नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल चनालिया। शुरुआत करेंगे अपनी सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा कि खुफिया विभागों से आई रिपोर्ट इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि हालांकि उसमें कहा गया कि उस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। ब्रिटानी विदेश मंत्री फिलिपिन्स हैमंड ने मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि विमान हादसा उसमें मौजूद विस्फोट को ही कारण हुआ। अमेरिका में बोले जाने वाली भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। यूएस में करीब 6.5 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने अमेरिकी समुदाय सर्वे में 2009 से लेकर 2013 के आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी दी है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के मुताबिक अमेरिका में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग घर पर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। करीब 50 साल पहले उनके पिता ने जिम्मा संभाला था। 23 वर्षीय पूर्व फ्रेंच शिक की जीत के साथ ही पिछले 9 साल के स्टीफन हॉर्पर की अगुवाई में चला आ रहा था। टोरी शासन समाप्त हो गया था। नई लिब्रल सरकार ने 25,000 सीरियाई शरणार्थियों को इस साल को आखिरकार पुनर्निवास करने और इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ कनाडा में लड़ाकू मिशन को धीरे धीरे खत्म करने का संकल्प जताया। प्रधानमंत्री मोदी आज अशोक चक्र के चिन्ह वाली देश की पहली भारत स्वर्ण मुद्रा समेत सोने के निवेश संबंधी 3 योजनाएं पेश करेंगे और आगे की 2 योजनाएं स्वर्ण मौद्रिक योजना MGMC और सॉवरेन योजना ब्रांड योजना है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि शुरुआत में भारत सोने की मुद्रा 5 और 10 मुद्रा ग्राम में उपलब्ध होगी। 20 ग्राम की बट्टी भी उपलब्ध की जाएगी।
नेस्ले ने ऐलान कर दिया है कि वो इसी महीने फिर से पॉपुलर प्रोडक्ट मैगी नूडल्स की बिक्री शुरू करेगी। कंपनी का मानना था कि सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त लैब्स की जांच में मैगी नूडल्स को सुरक्षित पाया गया। नेस्ले ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कंपनी की 3 फैक्ट्रियों नजनगुड़ा और मोगा, पंजाब और बिचौलिया, गोवा और मितियारी मैगी नूडल्स के सभी नमूनों को जांच के लिए NBSL की तरफ से मान्यता प्राप्त लैब्स में भेजा था। जांच में मैगी नूडल्स को मंजूरी मिल गई है। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने बाइक्स और कारें ऑनलाइन बेचने के लिए महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प्स और पियाजियो जैसी वाहन कंपनियों से गठजोड़ किया है। स्नैपडील के वरिष्ठ मुख्य अध्यापक भागीदारी धोनी नवीन ने संवाददाताओं को बताया कि हमने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बाइक बेची और ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। आभूषण और फुटकर विक्रेताओं की सुस्त मांग की कमजोर होते वैश्विक रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में सोने में आज लगातार छठे दिन गिरावट आई। आज सोना लगभग 270 रुपए घटकर एक महीने में निम्न स्तर पर 26,430 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के कमजोर उड़ाव में चांदी की कीमत भी 180 रुपए घटकर 36,070 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली हस्तियों में भारत के पीएम मोदी प्रधानमंत्री शामिल हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने इस आशय की सूची में पीएम मोदी को शक्तिशाली हस्तियों में 9वें पायदान पर रखा है, जबकि पिछली बार 2014 के फोर्ब्स में मोदी को 15वें स्थान पर रखा था। वर्ल्ड की नंबर वन महिला खिलाड़ी डबल्स टेनिस सानिया मिर्जा ने 2015 में खिताब जीतने की घटना से दुनिया के नंबर वन एक मैच सिंगल खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे पछाड़ दिया। सोनिया ने अपने साथी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिगिंस के साथ रविवार को सिंगापुर में साल के अंतिम WTA फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब जीता और इसके साथ ही उन्होंने जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। सोनिया ने हिगिंस के साथ का 9वां और व्यक्तिगत दौर पर 10वां खिताब जीतकर अपने नाम दर्ज की।
न्यूज बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। यह है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।